नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं सुरेश सिहाग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीगेट एग्रो में। आज हम बात करेंगे खरबूजे की खेती के बारे में। खरबूजे की कैसी खेती जो है वह कैसे की जाती है, कौन कौन से खाद डालनी पड़ती है, कैसे बेड तैयार किया जाते हैं, प्लास्टिक मल्च बिछानी चाहिए या नहीं बिछानी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। खरबूजे की खेती के लिए हमने बेड तैयार कर दिए हैं, और बेड तैयार करने से पहले इसमें जो है हमने गोबर की खाद डाली है कंपोस्ट करके, वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा कंपोस्ट की है उसको, और वेस्ट डिकम्पोजर से वो इस तरह से मतलब एकदम अच्छी तरह से कंपोस्ट हो गई, इसलिए खाद भी हमें कमी डालनी पड़ी। मतलब एक एकड़ में हमने केवल दो ट्राली, ट्रैक्टर की दो ट्राली एक एकड़ में हमने गोबर की खाद डाली है। चार महीने पहले, आज से चार महीने पहले गोबर की खाद में दो या मतलब दो बार वेस्ट डिकम्पोजर डाल के और फावड़े से उसको दो तीन बार कट मार के एकदम अच्छी तरह से गोबर को भुरभुरा मतलब खाद के रूप में तैयार कर लिया था सड़ा के, और उसके बाद इस केवल दो ट्रॉली इसमें गोबर की खाद डाली है। उसके बाद इसमें ये बेड डाल दिए गए हैं, और बेड डालने के बाद अभी इसमें हम प्लास्टिक मल्च जो है वो बिछाएंगे। गोबर की खाद के साथ ज़्यादा नहीं, केवल 50 kg DAP और 50 kg पोटास पर एकड़ के हिसाब से इसमें हमने डाला। इसके अलावा और कुछ भी हमने इसमें नहीं डाला है, केवल गोबर की खाद प्लस और पोटास और नाम मात्र मतलब थोड़ी मात्रा में DAP। अभी ये इसमें हमने मल्च प्लास्टिक मल्च डाल दिया है, और बेड की साइज़ इतनी होनी चाहिए, मतलब एकदम बढ़िया होनी चाहिए ताकि ऊपर पाइप आराम से आ सके। प्लास्टिक ड्रिप, जो ड्रिप की लाइन होती है वो अंदर बिछा दी है हमने, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए अंदर इसके प्लास्टिक की लाइन हमने डाल दी है ड्रिप की। अब इसमें हम होल निकालेंगे, और खरबूजे में होल एक एक फीट की दूरी पे होने चाहिए, और बीज से बीज की दूरी मतलब एक फीट, और बेड से बेड की दूरी 6 फीट, ये हमने दूरी रखी है इस पर। एक एक फिट पे मतलब हम डालेंगे, और होल हम एक एक फिट पे जिग जैक निकालेंगे आमने सामने, मतलब ऐसे इस तरह से हम इसमें होल निकालेंगे। और कल तक इसमें हम बीज की शोविंग कर देंगे। शोविंग करने के बाद फर्स्ट पानी में हम इसमें वेस्ट डिकम्पोजर चलाएंगे, जो बीज को अंकुरित करने में और जो अंदर अन्य जो खाद वगैरह है, जैसे हमारा घास फूस हुआ, इस तरह की जो खास जो खाद होती है उसको वेस्ट डिकम्पोजर अच्छी तरह से गलाने का कार्य करता है, और बीज को अंकुरित करने में भी थोड़ी सहायता करता है, थोड़ा जल्दी अंकुरित होता है, मेरा ये मानना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।